नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एम्स की तरफ से आई हुई वैकेंसी। तो यहाँ पर आपके दो अलग अलग एम्स की तरफ से लाइब्रेरी की वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं लाइब्रेरी की वैकेंसी। तो यहाँ पर आपके लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की और सेकंड की वैकेंसी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपकी एम्स की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आपकी कहाँ से आ रही है वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका एम्स कल्याणी जो है, वहाँ पर आपकी ये वैकेंसी आ रही है। ये आपकी जो है वेस्ट बंगाल की तरफ से है। ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, कंसोलिडेटेड पे यहाँ पर रहेगा। और बाकी अगर आप लाइब्रेरियन की हर एक वैकेंसी की जानकारी चाहते हैं समय पर, सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरियन का ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर वीडियोस के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन स्पेशली हम कवर कर रहे हैं लाइब्रेरियन की वैकेंसी, जो कि यहाँ पर आपकी जो ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकेंड की है। और यहाँ पर आप 24 मई तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट करके जो दिया गया है एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ से, और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो लिंक यहाँ पर दिया गया है गूगल फॉर्म का। नीचे यहाँ पर दिया गया है कि आफ्टर सबमिटिंग द अबाउ हार्ड कॉपी ऑफ द सेम शुड बी, आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है, जो कि आपकी 6 जून तक पहुंच जानी चाहिए किस एड्रेस पर यहाँ पर। आपको ये मेंशन कर देना है किस पोस्ट के लिए है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर दी हुई है और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए क्या फ़ी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा ये आपका जो नॉमिनेशन का रहता है, अगर आप पहले से जॉब में है तो नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, साथ में पे स्केल क्या रहेगा। तो यहाँ पर लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के लिए 43,900 है, दोनों के लिए सेम ही है। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से भी। तो एमएससी डिग्री इक्विवेलेंट और साथ में बैचलर डिग्री मतलब BLIS आपकी बिल्ली भी यहाँ पर होनी चाहिए। डिजायरेबल भी मेंशन किया गया है, एसेंशियल आपके पास है तो आप जरूर अप्लाई करें। साथ में ये जो मेंशन किया हुआ है आपका बीच के अंदर, ये भी आप जरूर एक बार फॉलो कर ले, यहाँ पर देख लेना। एज लिमिट यहाँ पर जो मेंशन की हुई है, एज लिमिट भी आपकी बीच में वाली रो में आपकी दी हुई है। नेक्स्ट आपके ग्रेड थर्ड के लिए अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी साइंस इन इंफॉर्मेशन सर्विसेज फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, या तो ये हो या फिर ये वाली आप फुलफिल करते हो तो यहाँ पर डिप्लोमा का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो दोनों वैकेंसी की हमने यहाँ पर जानकारी कवर कर ली है। दूसरी एक और एम्स की तरफ से वैकेंसी आ रही है, उसको भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। ये आप नोटिफिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एम्स कल्याणी की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है, नेक्स्ट वैकेंसी आपकी नागपुर की तरफ से है, एम्स नागपुर की तरफ से। तो नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट कौन सी है, ये आपकी लाइब्रेरियन ग्रेड वन की यहाँ पर पोस्ट है। ये आपकी जो पोस्ट है ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल, तो ये आपकी जो हम बात करें ये पोस्ट आपकी, इसमें अलग अलग वेरियस पोस्ट है, लेकिन ये आपकी डेपुटेशन बेसिस पर है जो पहले से ही सर्विसेज में, तो हम इस बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। तो आप एक बार चेक कर लेना, अगर आप डेपुटेशन बेसिस की जॉब अगर देखना चाहते हैं तो ये आपकी डेपुटेशन बेसिस पर है। और जो कि आपके वो लोग नहीं कर सकते जो कि जिनके पास जॉब नहीं है, और जो इस चैनल के जो कैंडिडेट्स जितने भी जुड़े हुए हैं उनको नई जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, ये पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए डेपुटेशन का होता है। बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल था उसमें आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको नई अपडेट मिली होगी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके और भी अपडेट्स ले सकते हैं। थैंक यू।